कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की यूपी में हिरासत को लेकर हमीरपुर में भी विरोध के स्वर गूंजे हैं। एनएसयूआई के जिला प्रधान टोनी ठाकुर की अगुवाई में इसके विरोध में लघु सचिवालय के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन दिया गया। छात्र संगठन से जुड़े युवकों ने यूपी की योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की यूपी में हिरासत को लेकर हमीरपुर में भी विरोध के स्वर गूंजे हैं। एनएसयूआई के जिला प्रधान टोनी ठाकुर की अगुवाई में इसके विरोध में लघु सचिवालय के गेट के बाहर धरना किया गया। छात्र संगठन से जुड़े युवकों ने यूपी की योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एनएसयूआई के जिला प्रधान टोनी ठाकुर ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 9 आदिवासी समुदाय के लोगों की हत्या स्थानीय पंचायत प्रधान द्वारा बड़ी बेरहमी से की गई थी। जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उनसे मिलने गई तो धारा 144 का हवाला देकर उन्हें हिरासत में ले लिया। टोनी ने बताया कि इसी घटना के विरोध में एनएसयूआई ने जिला मुख्यालय पर हल्ला बोला और धरना प्रदर्शन किया। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले दो दिन पहले जो है वो यूपी के सोनभद्र जिले में जो माइनॉरिटी है आदिवासी साथी हैं लोग हैं उनके साथ जो है वो हत्या 9 लोगों की हत्याएं की गई। उसके लिए उसके बाद जो है उस पूरे इलाके में जो है वो धारा 144 लगाई गई। और जब एक प्रतिनिधि पार्टी के प्रतिनिधि सम्मान्य हमारे श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी वहाँ उन लोगों का जो है वो दुख दर्द बांटने के लिए वहाँ पहुँची तो उस इलाके से जो है वो 25 किलोमीटर पीछे उनको जो है वो ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया बिना किसी वारंट के और अभी तक उनको जेल में रखा गया है। जेल में उनका कोई दुर्ग है कहीं वहाँ पर रखा गया है और कह रहे हैं कि वहाँ पर जाना जो है वो मना है और इतनी फोर्स जो है वो उन्हें रोकने के लिए लगाई गई है। हमारा यूपी सरकार से एक ही सवाल है जब ये घटना हुई तो उसके बाद उस इलाके में आप अगर इतनी फोर्स जो है वो उन अपराधियों को पकड़ने के लिए लगाते तो शायद आज जो है वो कुछ और दृश्य जो है वो पूरे लोगों के सामने जो है वो देखने को मिलता। जब से देश के अंदर यूपी हो या देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से जो है वो लगातार संविधान जो है वो खतरे में चलता जा रहा है। जो आम लोग हैं जो दबे हुए वर्ग हैं या जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वो अपनी आवाज़ को जो है वो समाज के जो उच्च वर्ग है और जो समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उन तक नहीं पहुँचा पा रहा और देश में जो है वो एक जो है वो ऊंच नीच का जो दर्जा है वो काफ़ी बढ़ गया है। जो पिछड़े हुए हैं वो अपने आप को पिछड़ते हुए महसूस कर रहे हैं और इस सरकार की दमनकारी नीति ऐसी है जो देश के लगातार हर एक संस्था को जो है जिसके ऊपर उसका